गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल का जो पेपर है एमकॉम एनईपी 2023 का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल पेपर सेमेस्टर फर्स्ट का, इसका आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर प्राइसिंग लेवल चेंज का फर्स्ट प्रॉब्लम। तो आज से हम जो पीजी के वीडियोज है यानी कि अकाउंट स्पेशल के वीडियोज वो अपडेट करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग फॉर प्राइसिंग लेवल चेंजेस, तो इसका आज हम फर्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैंने निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस का। तो ये प्रॉब्लम जो है वो निराली पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में से लिया है। अभी आपके जो पेपर है वो नजदीक आ रहे हैं, इसीलिए मैंने फास्ट में ये जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया है। तो पीपीटी मैं शेयर नहीं करने वाली। तो ये जो सॉल्यूशन है मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट बुक जो है उसमें से लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए इसमें जो मेथड्स है अकाउंटिंग फॉर प्राइसिंग लेवल चेंजेस में, तो इसमें जो मेथड्स है उसकी फर्स्ट मेथड यानी कि सीपीपी या फिर आप उसको जीपीपी बोलते हैं, उस मेथड का हम फर्स्ट प्रॉब्लम लेने वाले हैं। करंट और जनरल परचेसिंग पावर मेथड, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है सीपीपी और जीपीपी मेथड। तो उसका फर्स्ट प्रॉब्लम आज हम लेने वाले हैं। तो पहले प्रॉब्लम समझ लीजिए, बाद में हम उसका सॉल्यूशन लेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, कोजी लिमिटेड कानपुर हैज सबमिटेड द समरी ऑफ देयर एनुअल कैश ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक अकाउंट टुगेदर विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज ऑन दैट डेट फॉर द ईयर 2022-23 एज फॉलोज। हमें कोजी लिमिटेड कानपुर का समरी दी गई है कैश ट्रांजेक्शन की, और ये समरी कहाँ से ली है? बैंक अकाउंट से। और इसके साथ हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया गया है एज ऑन दैट डेट, उसी डेट का। तो इसका ईयर है 2022-23। तो यहाँ पर रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल को, देन 3 जुलाई को सेल्स के ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है सभी, 17 अक्टूबर को सेल्स है, 21 जनवरी को सेल्स है। तो इस तरह से 3 सेल्स के ट्रांजेक्शन दिए गए हैं एंड ओपनिंग बैलेंस है रिसिप्ट साइड में 45,000, सेल्स के ट्रांजेक्शन 95,000, 1,05,000, 1,65,000। उसके सामने यहाँ पर हमें प्राइस इंडेक्स दिया गया है। तो ये जो प्राइस इंडेक्स है वो इम्पोर्टेंट है। हमें इस प्राइस इंडेक्स का जो है वो कैलकुलेशन में जो ये अमाउंट है 90, 100, 105 एंड 110, ये हमें कैलकुलेशन के लिए लेनी है। तो ये जो 45,000 बैलेंस है उसका प्राइस इंडेक्स कितना है? 90। ये जो 95,000 है इसका प्राइस इंडेक्स कितना है? 100। तो इस तरह से सभी के प्राइस इंडेक्स दिए गए हैं। और यहाँ पर पेमेंट साइड में 11 जून को मटेरियल कॉस्ट दी गई है, देन अगस्त में हमें लेबर कॉस्ट दी गई यानी कि पेमेंट है 9 अगस्त को, लेबर कॉस्ट है 1,50,000, 27 नवंबर को ओवरहेड कॉस्ट है 66,000, 18 मार्च को टूल्स के लिए हमने पेमेंट किया है यानी कि परचेस किया होगी टूल्स, तो 27,000 के टूल्स हमने परचेस किए हैं। एंड लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 85,000, वो 31 मार्च का है। उसके सामने भी यहाँ पर प्राइस इंडेक्स बताया गया है 95, 100, 110, 120 एंड लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है 120। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस एज पर सीपीपी मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन? यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइसेस एज पर सीपीपी मेथड। सीपीपी मेथड से प्राइसेस का चेंज होने के बाद लास्ट में क्या रिजल्ट आता है? तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट ये बोथ साइड जो है वो लेनी है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इन द बुक्स ऑफ कोजी लिमिटेड कानपुर स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ प्राइसिंग चेंजेस
पर सीपीपी मेथड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अभी इसमें वर्टिकल फॉर्म में हमें ये प्रिपेयर करना है, तो वर्टिकल फॉर्म में प्रिपेयर करने के लिए हम जो कॉलम है वो पहला डेट का लेंगे, देन पर्टिकुलर, देन एज पर हिस्टोरिकल बेसिस यानी कि जो गिवन प्राइसेस है वो लेंगे, देन अकाउंटिंग एडजस्टमेंट यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है, और सीपीपी मेथड से कौन सी प्राइस आती है उसका एक कॉलम। तो कॉलम कितने हुए, डेट, पर्टिकुलर, एज पर हिस्टोरिकल बेसिस, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंड लास्ट कॉलम सीपीपी मेथड। सो हम ओपनिंग बैलेंस जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जो दिया गया है वो हम लेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस है 45,000 एंड प्राइस इंडेक्स है उसका 90। तो अभी कैलकुलेशन करना है हमें सीपीपी मेथड से। तो सीपीपी मेथड से कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस का प्राइस इंडेक्स दिया गया है वो हम लेंगे, वो कितना है 120। तो 120 से कैलकुलेट होगा हर एक अमाउंट का। तो ओपनिंग बैलेंस है 45,000, तो 45,000 को हम 90 से डिवाइड करेंगे और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैलकुलेट यहाँ पर देखिए, 120/90, इसका मतलब भी ऐसा है कि 45,000 को हम क्या करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, 120 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कैलकुलेट करके अमाउंट जो आई है वो आई है 60,000। तो ओपनिंग बैलेंस सीपीपी मेथड में कितना आएगा, 60,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल्स का। सेल्स के अमाउंट हम एज पर हिस्टोरिकल बेसिस जो दी गई है प्रॉब्लम में वो लिखेंगे 95,000। अभी उसके सामने जो प्राइसिंग इंडेक्स यहाँ पर दिया है तो उसमें कितने अमाउंट है, तो उसमें है 100। तो यहाँ पर हम लेंगे 100, तो 95,000 को हमें 100 से डिवाइड करना है और 120 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट आई है 1,14,000। नेक्स्ट है 17 अक्टूबर के सेल्स। हिस्टोरिकल बेसिस से अमाउंट है 1,05,000। अभी हम सीपीपी से काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पर है प्राइसिंग इंडेक्स 105। सो हम 1,05,000 को 105 से डिवाइड करेंगे एंड 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन सीपीपी मेथड के कॉलम में आया 1,20,000। देन नेक्स्ट सेल्स 21 जनवरी के है, 1,65,000। उसके सामने प्राइसिंग इंडेक्स की प्राइस है 110। तो 1,65,000 को हम 110 से यानी कि हिस्टोरिकल बेसिस पे जो कॉस्ट है, प्राइसिंग इंडेक्स है, तो उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे एंड 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेशन अमाउंट आई है 1,80,000। अभी इनकी टोटल करनी है यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो एंड जो रिसिप्ट है, सभी रिसिप्ट उनकी टोटल करनी है। तो टोटल आई एज पर हिस्टोरिकल बेसिस 4,10,000 एंड एज पर सीपीपी मेथड 4,74,000। अभी पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में फर्स्ट आइटम है मटेरियल। मटेरियल 11 जून को है 57,000 एंड प्राइसिंग इंडेक्स है 95। सेम उसी तरह से हमें ये भी कैलकुलेट करना है पेमेंट साइड का भी। तो 11 जून को मटेरियल कॉस्ट हिस्टोरिकल बेसिस में लीजिए 57,000। 57,000 को 95 से डिवाइड कीजिए एंड 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो अमाउंट आई 92,000। नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट एज पर हिस्टोरिकल बेसिस 1,50,000। उसका जो इंडेक्स है, प्राइसिंग इंडेक्स, वो देखिए कितना है, लेबर कॉस्ट का है 100। तो लेबर कॉस्ट को हम 100 से डिवाइड करेंगे और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आफ्टर कैलकुलेशन अमाउंट आई 1,80,000। सीपीपी के कॉलम में लिख दीजिए 1,80,000। नेक्स्ट है ओवरहेड कॉस्ट 66,000। उसका प्राइसिंग इंडेक्स है 110। तो उसको 110 से डिवाइड कीजिए एंड 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, सीपीपी के मेथड के कॉलम में आया 72,000। नेक्स्ट है टूल्स। टूल्स है 27,000 और उसका प्राइसिंग इंडेक्स है 120। सो 120 से डिवाइड करेंगे एंड 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट आएंगे। तो इसीलिए हम 120 से डिवाइड करके 120 से मल्टीप्लाई करके सेम अमाउंट आएगी 27,000। इस तरह से हमने पेमेंट साइड कंप्लीट की, लेकिन यहाँ पर हमें
हमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करके निकलना है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस होगा तो उसका कैलकुलेशन करके हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। तो पेमेंट साइड की टोटल कीजिए, एज पर हिस्टोरिकल बेसिस 3 लाख आई है, और एज पर सीपीपी मेथड टोटल आई है 3,51,000। अभी हम रिसिप्ट में से पेमेंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 4,10,000 में से 3 लाख माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस आया 1,10,000, और यहाँ पर सीपीपी मेथड में से 4,74,000 टोटल रिसिप्ट थी, उसमें से 3,51,000 माइनस किया तो क्लोजिंग बैलेंस आया 1,23,000। अभी कितना डिफरेंस आया, हिस्टोरिकल बेसिस से 1,10,000 क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, और सीपीपी मेथड से कितना आया, 1,23,000 क्लोजिंग बैलेंस आया है। तो इन दोनों में का जो डिफरेंस है 13,000, वो क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख देंगे, द क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट टू सीपीपी मेथड शुड हैव बीन ₹1,23,000, वेयर एज एक्चुअल बैलेंस इज 1,10,000। हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस देयर हैज बीन लॉस ऑफ ₹13,000। इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। एज पर सीपीपी मेथड अकाउंटिंग फॉर प्राइस लेवल चेंजेस। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम विद इन 15 मिनट्स अपलोड होगा। यहाँ पर पीपीटी बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू।